नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अक्सर विवादों में रहने वाले संभल के सांसद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सपा सांसद सुल्फिकुर रहमान वर्क ने इस बार बिजली विभाग के अफसरों को धमकी दी है। ये धमकी, बकरीद के मौके पर बिजली चेकिंग के नाम पर छेड़छाड़ की जाए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। ये तो खैर इस वक्त नाजुक मरहला है कि बकरीद आ रही। इससे पहले भी जितनी शिकायतें मेरे पास बिजली वालों की हैं, जब मैंने दिशा की मीटिंग की थी, मैं उसका चेयरमैन हूँ और मैं उसको प्रेजाइड कर रहा था उस मीटिंग को, तब भी मैंने वहाँ पर कहा था कि ये बीजेपी के लोग ये गलत तरीके से हरेसमेंट फैला रहे हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने कहा इनको, डीएम साहब बैठे थे, तो मैंने कहा इनको समझाइए, इनसे मना कीजिए कि इस किस्म की हरकतें ना करें, सारे हिंदू मुसलमान शहर के सब परेशान हैं। खबर संभल से है जहां बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दुर्घटना में घायल को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। बाकायदा परिजन उसे गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले गए। ये संभल की तस्वीरें पूरे स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा कर रही हैं। अब खबर हरदोई से है जहां रिश्ते हुए तार तार। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी ने जिंदगी की डोर हमेशा हमेशा के लिए काट दी। जी हां, पति पर लगा पत्नी की मौत का इल्जाम। ये मामला साड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां सुमा पुरवा गांव में एक नशे में धुत युवक ने पत्नी को बेल्ट और लात घूसों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तर्वगंज थाना क्षेत्र के सेड़िया प्रभुपुरवा गांव के रहने वाले दो मासूम बच्चों की टेढ़ी नदी में डूबकर मौत हो गई। गुरुवार को दोनों बच्चों का शव नदी में तैरता हुआ मिला। आपको बता दें कि दोनों बच्चे बुधवार की दोपहर से लापता थे और परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। बच्चे के शव देखकर गांव में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद गोंडा के थाना तरफगंज क्षेत्र में गांव फेरिया में कल दिनांक 6/7/2022 को दो बच्चे तालाब में डूब गए थे, जिनको तालाब से उनके शवों को निकालकर पंचायतनामे की कार्रवाई करके पीएमएचयू भेजा गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब खबर आगरा से है, जहां दो साल बाद हो रहे मुड़िया पूर्णिमा मेले में इस बार करोड़ों की भीड़ पहुंचने की उम्मीद है। जहां रेलवे ने भक्तों को पहुंचाने के लिए कमर कस ली है, तो वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 1500 बसें मथुरा और गोवर्धन के लिए लगाई हैं। परिवहन विभाग ने इसके लिए बाहर से बसों और अधिकारियों कर्मचारियों की भी व्यवस्था की, ताकि किसी भी तरह से कोई समस्या यहां ना पहुंचे और श्रद्धालुओं को ले जाया जा सके। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग राम सखी कठेरिया की अध्यक्षता में बुलंदशहर की पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। चलिए अब रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां मानसून की पहली बरसात में ही उत्तराखंड का राज पुष्प ब्रह्म कमल खिलने लगा है। हेमकुंड साहिब में ब्रह्म कमल खिलने की पहली तस्वीर सामने आई है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड सरकार सक्रिय है। वित्त, शहरी विकास और जिला प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति ने विभागवार आयोजनाओं को लेकर बजट पर चर्चा हुई और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें लोक निर्माण विभाग में 5,50,00,000 से बढ़कर 6,22,00,000 किया गया। सरोवर नगरी नैनीताल में बकरीद त्योहार को ध्यान में रखते हुए कोतवाली मल्लीताल में एसडीएम नैनीताल प्रतीक जैन और क्षेत्र अधिकारी नैनीताल संदीप नेगी की अध्यक्षता में नैनीताल के निवासरत तमाम धर्म समुदायों से जुड़े
पीस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें SDM नैनीताल द्वारा आगंतुक संसद पदाधिकारियों से आगामी बकरीद त्यौहार को शांतिपूर्वक बनाए जाने की अपील की गई। अब बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां DPS पब्लिक स्कूल के सुरेंद्र पुनिया नामक शिक्षक ने छात्राओं के संग की अश्लील हरकतें, जिसके बाद स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ने मामले को संज्ञान में लेकर जनपद के कोतवाल देहात में आरोपी शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने वाइस प्रिंसिपल की तहरीर पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोस्टो एक्ट और IPC की धारा 354 में मुकदमा दर्ज किया गया। बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां गौकशों के विरुद्ध गौकशी के अपराधों की रोकथाम हेतु 2 दिवसीय अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में गौकशी के अपराधों में नामजद प्रकाश में आए अपराधियों की सक्रियता पर नजर रखी गई, जिसमें सभी गौकशों को किसी भी प्रकार के अपराध न करने की सख्त हिदायत दी गई और कहा गया यदि कोई अपराधी अवांछनीय गतिविधि में संलिप्त होता है तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी जाएगी, जिसके बाद अपराधी विरुद्ध तत्काल प्रभाव से की जाएगी कार्रवाई। बुलंदशहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी को भावुक कर दिया है। जी हाँ, ग्राम बराल में स्थित किरण यादव निवासी ममेटा के यादव फार्म हाउस पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल यादव का भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां जेल अधीक्षक मिजाजी लाल यादव के विदाई समारोह में आयोजन में राजेंद्र प्रधानाचार्य फूट फूट कर रोने लगे। आपको बता दें कि हाल ही में शासन के निर्देश पर जेल अधीक्षक मिजाजी यादव का ट्रांसफर जनपद बुलंदशहर शाहजहांपुर में हुआ था। खबर जालौन से है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लोगों ने रोड जाम किया। आपको बता दें कि बिजली पानी जैसी मूलभूत जरूरत पूरी ना होने के चलते जनता में बिजली विभाग के खिलाफ भी आक्रोश देखने को मिला। विद्युत विभाग के पावर हाउस के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं और कस्बे के लोगों ने एक साथ मिलकर जाम लगाया। वहीं इस मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाने के लिए प्रयास कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।